इन्हीं अनुभवों ने मुझे मैच्योर बनाया, बिल्कुल मुझे परिपक्व बनाया, मुझे पर्सनल की डेवलपमेंट की। बिल्कुल हाँ, बात कर रहे थे कि आपने क्वेश्चन किया कि आप एक्टिंग में कैसे आ गए। जी मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगा। कोशिश ये थी कि अच्छी पढ़ाई कर लूं, ग्रेजुएट हो जाऊं, उसके बाद कुछ जो एग्जाम वगैरह हुआ करते थे आईएएस के, आईपीएस के, किसी बड़ी पोस्ट के, उसके लिए तैयारियां करूं, क्योंकि तैयारी करने में बहुत होशियार था मैं। ओके कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगा या एक्टिंग करनी चाहिए मुझे। मुझे हाँ लगता था कि कोई कमांडर बन जाऊं या कुछ इस तरह से कुछ बड़ी पोस्ट पर आ जाऊं तो बस मेरा दबदबा रहेगा, मेरा मेरे परिवार का नाम होगा, समाज में मेरा नाम होगा और सागर में मेरा नाम होगा। और जिस तरह से हम आत्मकथाएं और जीवनियां पढ़ते रहते थे, कुछ उस तरह के लेवल तक हम जा सकते हैं अगर इसमें इस तरह से टारगेट करूं। क्या हुआ कि 9वीं क्लास हो गई, 10वीं क्लास हो गई, 11वीं क्लास हो गई। 11वीं क्लास के बाद, 11वीं बोर्ड थी, मैं फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ एज यूजुअल। ओके 11वीं करने के बाद कॉलेज का प्रश्न आया, क्या मुझे कॉलेज ज्वाइन करना। ओके तो जहां मैं नौकरी करता था वहां वो सुबह से स्कूल और 1 बजे तक स्कूल और फिर 2 बजे से नौकरी करता था मैं। मीन टाइम जहां जो जिन टीचर ने मेरी हेल्प की थी 8वीं क्लास में ज्वाइन करने, उसके बाद मुझे वो स्टेशनरी की दुकान छोड़ी। ओके क्या नाम उन था सर टीचर उस ने शिक्षक अरुण कुमार शर्मा, अभी भी हैं वो, मेरे का? लगातार संपर्क है उनसे। ओके ओके और जहां आप काम करते थे वो जगह? वो जगह उनके चाचा जी की एक टाइम एंड टाइड नाम की एक मैगजीन निकाला करते थे। तो इस तरह से हम दोनों तरफ काम करते थे। हाँ मैं अरुण शर्मा जी के यहाँ भी के लिए भी काम करता था, उनके लिए भी काम करता था। ओके मैं खूब अखबार बेचे, उन्होंने अखबार छापे। वाह बहुत सारे काम हमने ऐसे किए जो बहुत और दिल लगा के किए। जोश ये रहता था कि बस ये अभी खत्म हो जाएगा, इसके बाद मैं पढ़ाई करूंगा। कर तो सुबह 4:45 बजे उठा करता था मैं। अब ये भी बड़ी मतलब आत्मश्लाघा जैसा है कि 4:45 बजे उठता था मैं और 10 बजे तक, सारे 1 बजे काम तक स्कूल, 2 बजे से नौकरी, 2 बजे से 10 बजे तक, 10 बजे आके कुछ घर के काम और खाना वाना करके 11 बजे पढ़ने बैठता था, 11 से 1 बजे तक। क्योंकि पढ़ाई पढ़ाई जरूरी है, मेन बिल्कुल तो फोकस वही था, लेकिन ये सब चीजें जिम्मेदारियां हैं, ये सब करके और फिर मैं अपने निश्चिंत होके किचन में ही पढ़ता था, वहीं सोता था ओके और 1 बजे तक पढ़ता था और ऐसे पढ़ते पढ़ते सो जाता था। और 4:45 बजे तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूरी पर भैंसों का एक वो था, तबेला, तबेला उसको तबेला बोलते हैं और जी दिल्ली में, तो वहां पर ताजा दूध, शुद्ध दूध मिल जाया करता। ओके तो जिनके अरुण शर्मा जी जिनके यहाँ मैं रहता था, उनकी सलाह थी कि अगर तुम ये कर लोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके लिए मुझे वहां 5:30 बजे पहुंचना पड़ता था, क्योंकि ओके 6 बजे लौटना पड़ता, 6 बजे तक आना पड़ता था। तो वापस 6:30 बजे हम लोग स्कूल निकल जाया करते थे। वहां ओके 7:30 बजे हमारा स्कूल हुआ करता था। तो उसके लिए 4:45 बजे मुझे जगा दिया जाता था ओके और उसके बाद मैं दौड़ता हुआ जाता था। हाथ में वो टिफिन, वो लिया कैन, एक छोटी सी बाल्टी जैसे नहीं जी जी होते ढक्कन वाला, ढक्कन वाला तो जी पकड़ा और कसरत जैसे
कसरत करता हुआ कसरत और दौड़ते 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 गया था। डबल काम होते थे, कसरत भी होती हो जाती थी बिल्कुल और अपने आप को फिट रखने के लिए इस तरह की चीजें। मैं चूंकि अखाड़े से मुझे वो संस्कार मिला था, बिल्कुल पिताजी के साथ जो मैं अखाड़े जाया करता, तो इस तरह से रूटीन ये था हमारा। उसके बाद जब 11वीं क्लास की, 11वीं क्लास के बाद कॉलेज का टाइमिंग ही डिफरेंट होता है। कॉलेज 10 बजे से 4 बजे तक, एनएसडी में। नहीं कॉलेज दिल्ली का, अच्छा दिल्ली के कॉलेजेस, ओके हाँ कॉलेजेस का टाइमिंग जो है ना, हाँ 11वीं के बाद मुझे कॉलेज ज्वाइन करना था। अच्छा उस समय 12वीं नहीं था। ओके हायर सेकेंडरी कहलाता था, उसके बाद ही ग्रेजुएशन चालू हो जाता था। ओके तो ये इंटरमीडिएट बाद में आया, 12वीं क्लास, ओके उस समय 75 में नहीं हुआ करता था। ओके तो अब जब कॉलेज ज्वाइन करने की बात आई, बारी आई, तो समस्या ये हो गई कि अगर मैं 10 से 4 करूंगा तो काम कैसे करूंगा, कब करूंगा। हाँ 10 बजे पहुंचने के लिए मुझे 9 बजे तो निकलना पड़ेगा, 9 बजे निकलने के लिए मुझे 8 बजे उठना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। तो वो टाइम यहाँ निकल जाता था। आते आते फिर इस तरह का हो जाता था पूरा माहौल कि 4 बजे फ्री हुए तो 5 बजे तक घर पहुंचे, फिर नौकरी कब करेंगे। तो जहां मैं जिनके साथ काम करता था उनके उनके साथ मेरे मतभेद चालू हो गए, उनको टेंशन होने लगी। इनका खर्चा तो हम उठा रहे हैं, हाँ तो मेरा खर्चा तो वो ही उठाते थे क्योंकि मैं उन बदले में उनका काम करता था। बिल्कुल अब ये काम ही नहीं कर रहे तो अब इनका खर्चा क्यों उठाएं। तो वो समस्या खड़ी हो गई ओके और टेंशन होने लगी हमारे बीच में। टेंशन होने लगी तो मुझे लगा कि अगर ऐसे इस तरह से चल नहीं पाएगा, मुझे बिल्कुल ठीक भी नहीं है, मुझे कुछ ऐसा कुछ कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि मुझे कोई पार्ट टाइम जॉब नौकरी अगर मिल जाए, थोड़ा हार्ड ही मिल जाए ताकि थोड़े से समय में मुझे ज्यादा पैसे मिल जाए, तो अगर ऐसा हो सके तो फिर मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू पूरी कर कर लूंगा। सकते और जो लक्ष्य है मेरा डिग्री हासिल करने का दिल्ली यूनिवर्सिटी से, वो पूरा हो जाएगा। और तभी मेरा काम, तभी मेरी जो हसरतें हैं, जो मेरी मनोकामना है कुछ बड़ा करने का, कुछ अलग करने का, तभी पूरा हो पाएगा। तो मैं विज्ञापन ढूंढने लगा अखबारों में, रोजगार समाचार ये वो सब उसमें तलाश करने लगा। एक दिन एक पेपर में दिल्ली सरकार की तरफ से एक विज्ञापन आया, विज्ञापन आया कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में कोर्स करने के लिए 250 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी दो कैंडिडेट्स के लिए, दिल्ली से, दिल्ली राज्य से दो कैंडिडेट्स के लिए। मुझे लगा यार ये तो अच्छा है, अगर 250 रुपये मुझे मिल जाए तो मैं ये कोर्स भी कर लूंगा और मेरा ग्रेजुएशन का लक्ष्य भी पूरा हो जाए। अच्छा, उन दिनों मैं कल्चरल एक्टिविटीज में बहुत आगे था, वो सब हमने यहाँ सागर सागर से सीखा था वो सब चीज, बिल्कुल तो गाने भी गाना, कविता वाचन भी करना, स्टेज पर एक्टिंग भी करना, नाटक लिखना, कविताएं लिखना, अपने एक 13-14 साल का बच्चा जितने मेच्योरिटी के साथ लिख सकता है उतना। बिल्कुल लेकिन उसमें खास बात यह थी कि चूंकि मेरा अपना लिखा हुआ होता था तो वो लोगों को, सबको अच्छा लगता था। और ओके मैं उस समय जो गायकी थी मेरी अच्छी थी, मैं मुकेश के खूब गाना गाया करता था, वाह तो उन्हीं की आवाज में फिर मैं देशभक्ति के गाना गाता था। ओके बिल्कुल ये स्कूलों में तो देशभक्ति के गाने चलेंगे, तो लगभग हर प्रोग्राम जो स्कूल में होता
होता था किसी की जीवनी को लेके, स्वतंत्रता दिवस को लेके, गणतंत्र दिवस को लेके, तो हर एक में मेरा पार्टिसिपेशन होता था और उनमें ये सब चीज मेरे आइटम हुआ करते थे। भाषण भाषण लिखता था, भाषण देता था। उनमें एक आइटम था मेरा सोलो परफॉर्मेंस का। एक सोलो परफॉर्मेंस मैंने बनाई थी कि जी डायलॉग लिखे थे, एक बच्चा जो अकेला रहता है वो अपने माँ को कितना याद करता है और कैसे उनसे बातें करता है। ओके तो मैंने ये मनोदशा मेरी थी, बिल्कुल मैं माँ को बहुत प्यार करता था, तो उस हिसाब से मतलब मेरे मन में जो जो चलता था, जो जो बातें मैं करना चाहता था माँ से, वो सब मैंने डायलॉग फॉर्म में लिख के एक बड़ा परफॉर्मेंस तैयार किया। ओके और वो परफॉर्मेंस जब मैं करता था तो डायलॉग बोलते बोलते जब माँ से वो वार्तालाप करता है, माँ से संवाद करता है, तो बोलते 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 रोने लगता था मैं, क्योंकि मुझे माँ की बहुत याद आती थी। वो बात करते करते एकदम से मैं फिर वो मतलब हिलक हिलक के रोने लगता था, क्योंकि मुझे उस समय उनका बहुत फील होता था कि मैं अकेला हूं और वो नहीं है मेरे पास। हाँ तो टीचर्स, प्रिंसिपल, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो देख के दंग रह जाते थे, अरे बाप रे, ये तो सच में हो रहा, ये ओके क्या बढ़िया एक्टिंग करता है, क्या बढ़िया एक्टिंग करता है। ऐसे ऐसे चल पड़ा और मैं बहुत फेमस हो गया। हाँ एक बार क्या हुआ, सबने मेरी तारीफ की, भाई तुम बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो, बहुत कमाल का काम करते हो, ये वो। एक दिन प्रिंसिपल ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया, तो मैं डर गया, मैंने पता नहीं क्या हो गया। प्रिंसिपल वो बहुत ही सख्त प्रिंसिपल थे, शुक्ला जी हुआ करते थे हमारे, बहुत सख्त थे और सीधा बैतों से ही काम करते थे वो, फटाक 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 फटाक। प्रेयर के दौरान सब लाइन में खड़े होते थे, जो जो लेट आते थे या एक दिन पहले जिन्होंने गलत काम किए होते थे सब लाइन में खड़े होते थे और सबको बेहत पढ़ते थे, किसी पढ़ते को 3, किसी को 5, ऐसे। तो ओके मैं डर गया, उनका पता नहीं क्या हो गया, मैं तो ऐसा कुछ किया नहीं। तो मैं पहुंचा ऑफिस में, उनके चैम्बर पहुंचा, और तो आते ही बोलते, यार तुम कितनी अच्छी एक्टिंग करते हो, तुम्हें तो एक्टिंग को अपना करियर बना लेना चाहिए, अगर ओके तुम करियर बना पाओगे तो तुम बहुत आगे जाओगे। ये सुन के मेरे दिमाग में एकदम से वो बत्ती सी चिंगारी सी ट्रिगर हो गया दिमाग में से। हाँ, पाक एकदम से। इसके पहले ये लोग तारीफ करते थे, मुझे इतना असर नहीं होता था। बिल्कुल उन्होंने जब इतने गंभीरता के साथ ये बात कही तो मुझे एकदम से कौंध गया दिमाग। मैं कहा ये सर मैं कोशिश करूंगा वगैरह वगैरह, ये मीटिंग खत्म हो गई। जब मैं वो विज्ञापन पढ़ रहा था तो मुझे ये याद आया, और जितनी भी एक्टिविटीज मैं करता था जिसके सर्टिफिकेट्स मुझे मिले थे, काफी सारे सर्टिफिकेट्स थे मेरे पास इस तरह की एक्टिविटी, कल्चरल एक्टिविटीज के। अच्छा, स्पोर्ट्स में भी मैं काफी इंटरेस्ट रखता था, तो बैडमिंटन टीम में मैं था, कुश्ती वाली टीम में था, कबड्डी वाली ओके टीम में था, तो बहुत एक्टिविटीज में रहता था, तो काफी फेमस था मैं। तो वो सब सर्टिफिकेट्स मेरे पास थे, तो मुझे लगा कि ये सर्टिफिकेट्स अगर मैं लगा दूंगा तो बस हो जाएगा हो मेरा काम, हो जाएगा। और जो एक्टिंग का पीस है मेरा, जाएगा जो परफॉर्मेंस है, वो दिखा दूंगा इंटरव्यू में, ऐसा करके। और वो एक कॉन्फिडेंस लेवल आया, वहां से मैं सर्टिफिकेट वो लिया, फॉर्म लिया, भर दिया, और उसमें जो नाटक वगैरह की जरूरत, एलिजिबिलिटी उन लोगों को होती है जिन्होंने 6 नाटकों में काम किया है, ओके एनएसडी की, और हायर सेकेंडरी पास किया हो, ऐसा कि वो एलिजिबिलिटीज थी उसमें। तो वो सब मैंने पूरी की, और 15-20 दिन के बाद मुझे टेलीग्राम आ गया। ओके टेलीग्राम, पहले टेलीग्राम से इन्फॉर्म किया करते थे हाँ कि आपका इंटरव्यू इतने इतने बजे है, वो ओल्ड सेक्रेटरी है दिल्ली में, पुराना सचिवालय, पुराना ओके सचिवालय हुआ करता था।
साहित्य कला परिषद में, साहित्य कला परिषद ऑर्गेनाइज कर रही थी दिल्ली में। साहित्य कला परिषद एक कल्चरल संस्था है गवर्नमेंट जी की। तो वहां पर यार ये तो कमाल हो गया। पर मैंने जो जो कुछ मैं करता था वो सब चीजें रिवाइव की, और इंटरव्यू वाले दिन पहुंचे वहां पर, और तकरीबन 65 कैंडिडेट्स थे वहां पर ओ जिनको सिलेक्ट किया गया था इंटरव्यू के हाँ लिए, और सब एक से एक बढ़िया। कोई कोई सूट वूट में, और कोई अच्छे बढ़िया बढ़िया कपड़े और ये वो सब, और खूब कॉन्फिडेंस से भरे हुए। अच्छा, उसमें से मैं दो थोड़ा लोगों को सिलेक्ट सा करना था। उनमें से 2 लोगों को, मतलब 65 लोगों में से सिर्फ 2 लोगों को। ओके तो उनको देख के मैं थोड़ा सहम गया, क्योंकि ना तो कपड़े मेरे पास थे कुछ ढंग के, और ना कुछ इस तरह का लुक था जिस तरह का स्मार्ट वो दिखाई देते थे कैंडिडेट्स। बहरहाल जैसे वैसे इंटरव्यू हुआ, मैंने वो सब चीजें जो दिमाग में मतलब तैयारी की थी वो दिखा दी, और जैसा कि मुझे अंदाजा था जिस तरह से मैं स्कूल में बहुत इंप्रेसिव हो जाया करता था अपने परफॉर्मेंस में, वैसे ही हुआ। और फाइनली दूसरे दिन टेलीग्राम आ गया, यू आर सिलेक्टेड फॉर वाह दी ट्रेनिंग इन नेशनल स्कूल ड्रामा। वाह, सो इस तरह से मैं ये कौन से ईयर एनएसडी की में बात आ हुई, गया, और एनएसडी के साथ है कौन से ईयर की बात है ये? सन 75, 1975। हाँ सो 1975 में एनएसडी में दाखिला लिया, और 1978 तक कोर्स किया, ओके और 1978 से सन 89 तक मैं एनएसडी डेप्यूटी कंपनी में रहा, ओके okay. जो उनका आप प्रोफेशनल बाहर विंग भी है, एक गए ना? प्रोफेशनल। हाँ बाहर भी, मतलब हम यहाँ से जाके परफॉर्मेंस करने के लिए गए, परफॉर्मेंस करने के लिए 2 बार हमने, बर्लाइनर फेस्टिवल होता है बर्लिन में, जर्मनी ओके में सर, मैं यहाँ रोकना चाहूंगा। एक। मेरे पास एक प्रेजेंटेशन है, उसके साथ हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। शायद आपके उस परफॉर्मेंस के कुछ फोटोग्राफ्स हैं उसमें। ओके हाँ तो बताइए, ये एक प्ले है ओथेलो, हाँ शेक्सपियर का लिखा हुआ, ओके उसमें मैंने ओथेलो का कैरेक्टर किया था, ओके तो ये टाइटल रोल। उसी उसी दौरान का है जब आप बाहर जाते थे। जब नहीं, जब ये रेपर्टरी कंपनी में एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट के तौर पर मैंने 11 साल रहा, और ये देश की एक शीर्षस्थ संस्था है जी जो प्रोफेशनली नाटक तैयार करके और थिएटर के प्रचार प्रसार में सारे आर्टिस्ट को लगाती है, उनके लिए पेमेंट करती है, ओके हाँ और कल्चरल एक्सचेंज में हाँ दे ग्लोबली कल्चरल एक्सचेंज में जैसे उनके उनका कोई ग्रुप, जैसे जर्मनी का कोई ग्रुप आया, तो अच्छा, तो यहां से वो जाएंगे वहां। एक्सचेंज में हम वहां गए। ओके और बर्लाइनर फेस्टिवल है जो दुनिया का बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही प्रतिष्ठित एक फेस्टिवल है, जहाँ पूरी दुनिया से बड़ी बड़ी नाटक कंपनियां आती हैं अपना परफॉर्मेंस करती हैं। जैसे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स हुआ करते हैं बिल्कुल जो हम देखते हैं, उसी तरह से ये बर्लाइनर थिएटर फेस्टिवल होता ओके था, अभी भी होता है। तो हाँ वहां हाँ हमने 2 बार पार्टिसिपेट किया, ओके सन 82 में और सन 87 में, ओके और इस तरह से हमने अपने देश को, देश का नेतृत्व किया हमने थिएटर फील्ड में। बिल्कुल उसके बाद पोलैंड में शोज किए, उसके बाद जर्मनी में शोज किए, उसके बाद लंदन में शोज किए, ऐसे ऐसे विश्व स्तरीय जो हमने नाटक तैयार किए थे, विश्व स्तर पर हमने नाटक करने का मुझे मौका मिला, सौभाग्य मिला, ओके और इसने मुझे बहुत मैच्योर किया। अगर हम कोई मेन रोल कर रहे हैं हाँ और जर्मनी में शो कर रहे हैं, बर्लिन में शो कर रहे हैं, जहां पूरी दुनिया के लोग सामने बैठे हुए हैं, दिग्गज लोग वहां सामने बैठे हैं, इनके सामने मेन रोल करते हुए जो एक एक मेच्योरिटी लेवल चाहिए एक्टर का, बिल्कुल
मतलब महसूस ही कर लेते थे हम अपने आप, वो एक उसका फील आ जाता था कि देश की इज्जत मेरे कंधों पर है, बिल्कुल मुझे इस तरह से परफॉर्म करना है कि लोग देखते रह जाएं। वाकई वो परफेक्शन और वो सब, उसके लिए प्रैक्टिस अभ्यास करने का तो संस्कार में साथ था ही, तो बिल्कुल वो अभ्यास मुझे हमेशा इस तरह का कॉन्फिडेंस लेवल दिया करता था। और हाँ आप यकीन मानेंगे, 87 में जब हमने बर्लाइनर फेस्टिवल में हिस्सा लिया, उसमें अंधा युग नाम का एक नाटक हमने किया था। हाँ अंधा युग, धर्मवीर भारती जी ने एक नाटक लिखा है, क्लासिक ओके है अपने आप में, वो हिंदी थिएटर के क्लासिक है। ओके उसमें महाभारत के 18 दिनों की का वर्णन है, ओके और आखिरी दिनों को फोकस करके उसमें बहुत सारी हमारी हिंदुस्तान की फिलॉसफी, बहुत सारी फिलॉसफीज में, जो जिस तरह से हमारे देश में फिलॉसफीज को लेके बहुत काम हुआ है, हमारे ऋषियों मुनियों ने जिस तरह से लिखा है, उसी का एक नमूना हम कह सकते हैं कि एक हर लाइन में डबल डबल, दो दो तीन तीन मीनिंग्स, बिल्कुल मतलब इस तरह का नाटक उन्होंने दिखाया। अद्भुत नाटक है वो अपने आप। तो उस नाटक में मेन कैरेक्टर है अश्वत्थामा का, ओके जिसके फादर को धोखे से मार दिया गया था महाभारत के युद्ध के दौरान। जी और जब इसको ये लगता है कि, जब इसको ये मालूम पड़ता है कि उसके फादर को धोखे से मरवा दिया, तो विक्षिप्त अवस्था में पहुंच जाता है, दिमागी रूप से पागलपन का शिकार हो जाता है। और उस पागलपन में ही पूरे नाटक में वो सारी गतिविधियां, सारी एक्टिविटीज करता है। सो इस तरह से वो उस अच्छा वो नाटक कैरेक्टर का आप प्ले मेन कर रहे किरदार थे वो मैं कर रहा था, वो किरदार ओके मैं कर रहा था। और आप यकीन मानेंगे, जब नाटक खत्म हुआ तो वहां की जर्मन जर्मन पब्लिक ने, वहां के लोगों ने तकरीबन 6-7 मिनट तक स्टैंडिंग ओवेशन दिया था। वाह उसमें खास बात यह हो गई थी, विशेष बात हम लोगों के लिए, एक एडवांटेज मिल गई थी कि उनके थिएटर में हर सीट पर एक वो लगा था, ट्रांसलेटर ट्रांसलेटर की व्यवस्था थी। ओके एक ट्रांसलेटर सामने कांच के उसमें बॉक्स में खड़ा होकर एक एक लाइन वो ट्रांसलेट कर रहा था। ओके और जैसा कि मैंने बताया कि इंडियन फिलॉसफी का वो निचोड़ है उसके अंदर, तो बिल्कुल एक एक दो दो लाइनों में जितनी गहराई थी वो सब जर्मन्स को मिल रही थी, और वो वाह खुद अवाक थे कि ये कैसा नाटक लिखा है। और चूंकि ये नाटक अगेन एंटी वॉर नाटक है, एंटी वॉर प्ले है, ओके युद्ध के खिलाफ बात करता है, बिल्कुल युद्ध की मीमांसा करता है, किस तरह से मानवीयता खत्म होती है युद्ध करने से। वाकई और जर्मन्स ने युद्ध भोगा है बिल्कुल सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, किस तरह से हिटलर और सब भी पूरा, मेरे ख्याल से मतलब वो कनेक्ट करने बिल्कुल का जो वो है वो बहुत अच्छे से वो लोग कर पा रहे थे कर पाए क्योंकि ट्रांसलेशन की व्यवस्था थी। तो अब शुरू शुरू में तो हमको पता नहीं लगा कि ये कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, क्या हो रहा है, बिल्कुल कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे थे। और क्योंकि वो मीनिंग में इतने उसमें एनग्रॉस हो गए कि रिएक्ट ही नहीं कर रहे थे, तो हमको लगा कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही, कुछ पता नहीं इनको समझ में भी आ रहा है कि नहीं, बाद में हूटिंग हूटिंग ना कर दें कुछ उठ के ना चले जाएं लोग। ऐसे इस दुविधा में हम लोग बने रहे, लेकिन हम अपने परफॉर्मेंस का लेवल बढ़ा के रखे। और जब खत्म हुआ नाटक, उन्होंने जो खड़े होकर तालियां बजाई, वाह तालियां बजाने आप जैसे, इसी की बात कर रहे थे ना अंधा युग हाँ अंधा युग की बात कर रहा था, हाँ
जब नाटक खत्म होता है तो हम कर्टेन कॉल के लिए जाते हैं, पूरी कास्ट एक एक करके, इस विंग से उस विंग से, ऐसे करते हैं, सब इकट्ठे होते हैं, सब नमस्कार करते हैं, एक बार किया नमस्कार, दो बार किया नमस्कार, तीन बार किया नमस्कार, उसके बाद खड़े हो जाते हैं कि चलो कुछ संवाद होगा। ये मतलब नमस्कार करने के बाद हम खड़े हैं और वो तालियां ही बजा ताली रहे हैं, बज रही बजाए है। जा रहे हैं, खड़े खड़े होके तालियां ही बजाए जा रहे हैं, बजाए जा रहे हैं, बजाए जा रहे हैं, बजाए जा रहे हैं। हमने एक दूसरे की तरफ देखा, यार ये क्या हो रहा है क्या करें हम। तो हम, हमारी जो सीनियर थी उत्तरा बावकर, अभी तो नहीं है हमारे बीच, तो उन्होंने कहा कि एग्जिट करते हैं, विंग में जाते हैं, एग्जिट करते हैं, जब स्टेज खाली हो जाएगा तो अपने आप तालियां देंगे। बंद होंगी और फिर संवाद करेंगे, कोई उनके लोग बोलेंगे या हमारे लोग कुछ बोलेंगे। तो हमने स्टेज खाली कर दिया, एक एक करके हम विंग में चले गए, स्टेज खाली है और तालियां उनकी फिर रुक नहीं रही, तालियां उनकी रुक नहीं रही, लगातार बजाए जा रहे हैं, बजाए जा रहे हैं, बजाए जा रहे हैं, बजाए जा रहे हैं, माय गॉड। अब हम फिर सकते में आ गए, अब क्या करें। तो हमने विंग से ही आपस में इशारा किया कि एक बार और चलते हैं करना। स्टेज पर। तो एक बार फिर हम स्टेज पर आए, एक एक करके, तकरीबन 39 लोग थे हम लोग। तो 39 लोगों को स्टेज पर आने में जितना समय लगता है आप अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल। आए, हम आए, फिर हमने 3 बार नमस्कार किया और फिर खड़े हो गए हाथ जोड़ के, खड़े हैं और तालियां बजे जा रही हैं, तालियां बजे जा रही हैं, तालियां बजे जा रही हैं। तो तकरीबन इसमें तकरीबन 6-7 मिनट जरूर लगे होंगे, इस अंदाजे से मैं बता रहा हूँ कि 6-7 मिनट तक का ये स्टैंडिंग ओवेशन था। उसके बाद हम ही ने आवाज लगा के कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया ये। और हमारे हमने हमारे जो चीफ थे, उन्होंने वो दुभाषी, एक दुभाषी हमारे साथ रहता था, उसको बुला के कहा कि थोड़ा सा आप बात करवाइए, तो कुछ संवाद हुआ उसके बाद। तो ये संस्मरण ऐसा है, इससे बड़ी अचीवमेंट का फीलिंग मुझे आज तक नहीं हुआ। बहुत फिल्में की हैं मैंने, बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स किए हैं, अवार्ड्स मिले हैं, सब कुछ हुआ है, जो अचीवमेंट का मुझे फीलिंग इसमें आया, इस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस में, वो आज तक उसको कुछ कोई भी अचीवमेंट छू नहीं पाई। उसमें फील ये भी था कि हमने देश का नाम रोशन करने में अपनी एक ईंट लगाई, बिल्कुल। मेरा भी एक छोटा सा हिस्सा है देश का नाम ऊंचा करने में, देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने में। बिल्कुल नहीं, वाकई मुझे बिल्कुल लगा कि ये संस्मरण कहना चाहिए इस वजह से। बिल्कुल। और जो जो आपका एक ड्रीम था कि मेरे को भी बड़ा ऐसा ये करना है, वाकई वो एक तो वो उस तरह का एक अचीवमेंट ही है वो, कि आपने देश का बिल्कुल नाम गौरवान्वित किया उस स्टेज पर विश्व में। जी, बिल्कुल। तो ये ये भी बहुत सारे सारे नाटक के फोटोज हैं, जी जी ये ये जसवां सब उड़ान नाम का हमने नाटक किया था, ये सुरेखा सीकरी जी हैं हमारे सीनियर, इनके हस्बैंड का रोल मैंने किया था, और इसके शोज भी हमने पोलैंड में किए थे, जर्मनी में किए थे। ये एक रशियन प्ले है, चेरी ऑर्चर्ड, इसे फिर ऐसे बड़ा एक एक्सपेरिमेंट किया था, रिचर्ड शेखनर अमेरिका के डायरेक्टर थे जिन्होंने ये नाटक डायरेक्ट किया था हमारे साथ, जिसमें बहुत ही रियलिस्टिकली हम लोगों ने एक्ट किया था। ये मेरी पत्नी है, वाह। और शुरुआती दौर में जब शादी हुई थी तो हम इनको घुमाने ले जाया करते थे। ये इंडिया गेट का है ना? ये इंडिया गेट के आसपास का एरिया है, जी जी पीछे वो इंडिया फवारा गेट, हाँ इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन। ये एक फिल्म कर रहे थे हम, विरासत, जी आपने जी देखा होगा, जी विरासत जी फिल्म देखी होगी। बिल्कुल। तो ये उस समय तो जैसे हम आते हैं ना, थोड़ी देर अगर टाइम है तो हम हाँ, थोड़ा सा बैठ के आपस में थोड़ी गपशप कर लेते हैं चर्चा कर लेते हैं। या लंच के बाद कर लेते हैं बातें होते हैं।
तो कुछ उस तरह का ये माहौल था। ये मैं लाडली मैना तेरी एक कॉमेडी प्ले था, एक मराठी प्ले था, उसका हिंदी में हम लोगों ने किया था। उषा बनर्जी नाम की एक मराठी लेडी थी, बनर्जी सरनेम है उनका, क्योंकि उन्होंने एक बंगाली से शादी की। बंगाली पर्सन से शादी की थी, तो उन्होंने डायरेक्ट किया था। और वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स मैंने किया था उसमें, किंग का कैरेक्टर। बहुत मजा आया था, बहुत मजा आया था। ये है वो नाटक अंधा युग हाँ जिसका मैंने जिक्र किया था, जी जर्मनी में शो किए थे बर्लाइनर फेस्टिवल में। ओके अब देखिए उसमें क्या इंटेंसिटी, क्या मतलब होता ना कि बिल्कुल जब आप साधना में होते हैं, आप ट्रांस में होते हैं, तो क्या आपके मुंह से निकलेगा, क्या आपकी बॉडी कहेगी, आपका कंट्रोल आपको नहीं मालूम पड़ता। बिल्कुल वो कैरेक्टर के साथ इन्वॉल्वमेंट और सिचुएशन के साथ इन्वॉल्वमेंट, ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो वर्क करती हैं। वो वर्क इसमें दिख रहा है, नॉर्मल से अलग है। बिल्कुल ये कुछ अलग अलग ये कैरेक्टर्स अलग अलग फिल्मों के कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे हैं। ये गॉड हाँ मदर का है, ये गॉड मदर का है, सबसे नीचे लेफ्ट में शबाना आजमी जी है, जी वो उसके ऊपर का है बॉस, बॉस नाम की फिल्म है जिसमें अक्षय कुमार जी है। ये जो हाथ में जो रखा है, ये मधुर भंडारकर ने एक फिल्म की थी, वो आप सत्ता, थिएटर सत्ता नाम से की फिल्म। बॉलीवुड में कैसे आए? ये अब एक एक सवाल और आ गया। ये भी एक लंबा सा इसका जवाब है। ओके कहानियां हैं जो को नहीं मालूम, और ये बहुत मोटिवेशनल हैं। बिल्कुल ऐसी कहानियां सुनने के लिए हम लालायित रहते थे अपने स्टार्स से, बिल्कुल लेकिन आती नहीं थी ऐसी कहानियां, क्योंकि पता नहीं, सबकी अलग 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 चॉइसेस होती हैं अपने आप अपने बारे में बताने की, कितने बताना बिल्कुल। है, कितना कितना और सच बताना दूसरा है। एक चीज मुझे ऐसा लगता है ना, आप जितने सरल तरीके से बताते हैं ना, लोग और ज्यादा आपको चाहने लगते हैं, क्योंकि और मतलब जो वो कहते हैं ना, कठिन बनना बहुत मुश्किल होता है, मतलब बहुत आसान होता है कि जी अकड़ना या नहीं बताना, लेकिन सरल बन के जो जी किसी के सामने बात रखना वो बहुत मुश्किल होता है। हाँ ये मैंने अपने जीवन के जी अनुभव से सीखा है सर। हाँ, सरलता में सरलता हैप्पीनेस का खजाना है, बिल्कुल खुशहाली का खजाना है। जो आदमी सरल है वो हमेशा, उसको मतलब हमेशा खुश रहता हुआ देखा देखा है मैंने लोगों बिल्कुल को। सो हंसी खुशी का, हैप्पीनेस का कैसर है वो, लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं है। जिन उन्हीं को अंदाजा है जो इस तरह के उसमें इस तरह की ट्रेवलिंग में, इस तरह की यात्रा में, बिल्कुल इस तरह की जीवन यात्रा में। वाकई। ये तो ये मेरा मेरे दोस्त हैं, जी हमारे सतीश कौशिक जी भी गुजर गए 3-4 महीने पहले। हम लोग जी क्लासमेट थे अपने एनएसडी में, एनएसडी में नेशनल स्कूल ड्रामा जी। ओके मतलब ये थे क्लासमेट, अनुपम खेर थे मेरे क्लासमेट, हाँ कविता चौधरी थी क्लासमेट, वहां पीछे दिख रही हैं, हाँ ओके करण करण राजदान, अनिता कंवर, हाँ अनंग देसाई, ओके हाँ अच्छे अच्छे लोग रहे जिन्होंने अच्छा नाम कमाया। बाद हाँ ये मैंने एक नाटक लिखा था, मधुकर शाह, ओके द हीरो ऑफ बुंदेलखंड। बुंदेलखंड की बैकड्रॉप पर, बुंदेलखंड की बैकग्राउंड पर एक 2 घंटे का नाटक मैंने लिखा था, ओके 1842 की सिनारियों पर, अठारह हाँ बुंदेला सौ विद्रोह सत्रह बुंदेला विद्रोह, उस पर मैंने ये नाटक लिखा था। जब ओके हमने खेला तो बहुत ही बहुत अद्भुत हिट हुआ, ओके
बहुत पसंद किया। फिर उसको देख के, दिल्ली की पब्लिशिंग हाउस है, उन्होंने इसको छापा, उन्होंने छापा। फिर मैंने इसका लोकार्पण के लिए, मुझे लगा कि कोई ढंग का ही बंदा हो, तो मैंने अमिताभ बच्चन जी से रिक्वेस्ट किया कि आप इसको पढ़ लीजिए, आपको लगे कि हाँ इसमें कुछ नाटक में बात है तो आप लोकार्पण के लिए आ जाइए, तो मेरा मतलब मेरी लाइफ बन जाएगी। तो उन्होंने कुछ हिस्सा पढ़ा और वो बहुत ही इम्प्रेस हुए और उन्होंने कॉल करवाया, तो मैं उनसे जाके मिला और खूब सारी बातें हुई। फाइनली उन्होंने एक्सेप्टेंस दे दी और तकरीबन 1-1.5 घंटे के प्रोग्राम में ये बने रहे, और बहुत ही यादगार रहा वो लोकार्पण का प्रोग्राम। ये मैंने एक लोकमान्य तिलक का एक कैरेक्टर किया था, चाफेकर ब्रदर्स नाम से एक फिल्म बनाई गई थी, उसमें मैंने लोकमान्य तिलक का कैरेक्टर किया। वो काफी गुस्सेल स्वभाव के थे क्या? नहीं, कड़क थे, गुस्से हाँ, नहीं, गुस्सा में नहीं था, कड़क थे, हर चीज को क्योंकि बहुत ही गंभीरता से लेते थे। उनका उनका जो बर्थ प्लेस है वो घर मैंने देखा है रत्नागिरी में। उनके घर में हम अच्छा, जाके उनके जो फोटोग्राफ्स देखे हैं, उनका चेहरे का तेज देखा है, तो उससे लगता था हाँ कि बिना उस तेज के तो ये सब संभव नहीं था जो उन्होंने किया। बिल्कुल बिल्कुल, एक अलग आभा होती है इस तरह के लोगों में। बिल्कुल